कलेजा काट कर रख दे कोई बेटी बहू बनकर, कलेजा काट कर रख दे कोई बेटी बहू बनकर, पर ना जाने क्यों ना समझे सास ससुर कि बहू भी है बेटी से बेहतर। नमस्कार दोस्तों, मैं जसप्रीत कौर कोहली एक बार फिर हाजिर है आपके सामने एक नई कहानी के साथ। ये कहानी मुझे आप में से किसी ने भेजी है और आप में से ही किसी ने इस कहानी की डिमांड की है। मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप स्टोरीज डालते हैं, पर आप एक स्टोरी बेटी के ऊपर भी डालिए, बहू के ऊपर भी डालिए कि बहू बेटी से बेटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। ये कहानी उर्मिला नाम की लड़की की है जो अपने माँ बाप के साथ अपने घर पे बहुत हंसी खुशी रह रही थी और साथ में नौकरी कर रही थी। एक दिन उसका रिश्ता आता है, रिश्ता अच्छा होता है इसलिए उसके माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। शादी के दूसरे दिन ही उसका आदमी शराब पी के आता है। ये देखकर उसे बहुत हैरानी होती है क्योंकि उसे छुपाया गया होता है कि वो शराब पीता है। वो रात को जब अपने आदमी से पूछती है कि आप लोगों ने मुझे नहीं बताया था कि आप ड्रिंक करते हो, मुझे ड्रिंक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब ये बात उसके आदमी ने सुनी तो पहले दिन ही, शादी के पहले दिन ही उसके आदमी ने उसको बहुत मारा। उसको इतना मारा कि उसके चेहरे पर नखून के निशान पड़ गए, उसकी बॉडी पर नखून के निशान पड़ गए, उसकी बॉडी पर उसके थपेड़ों के निशान पड़ गए, चेहरे पर थपेड़ों के निशान पड़ गए, उसका चूड़ा तोड़ दिया गया। जब इस लड़ाई की आवाज़ सास ससुर तक पहुंची तो सास ससुर आए और उन्होंने भी उसको बहुत मारा क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि इसको पता लग गया है कि हमारा बेटा एक शराबी है, इसलिए उन्होंने उसको दबाना स्टार्ट किया। सेकेंड डे सुबह होते ही उसके सास ससुर ने उससे सारे गहने छीन लिए, उसके नए कपड़े जो उसके दाज और वरी के कपड़े थे वो कपड़े एक अटैची में पैक किए गए और पैक करके उसका जितना ज्वेलरी का सामान था मायके का ससुराल का, उसके कपड़े मायके के ससुराल के कपड़े, उसकी नई बेडशीट, जितना सामान था सब कुछ कहीं और भेज दिया गया। उसको एसी रूम से उसको स्टोर में शिफ्ट कर दिया गया और वहीं पे ही उसको टेबल लगा के गैस चूल्हा दे दिया गया कि तू यहीं पे रहेगी और तेरा खाना पीना यहीं पे रहेगा और हमारे रसोई में और हमारे कमरों में तेरी एंट्री बंद है। अगर तूने अपने माँ बाप से कोई बात भी करी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उसको टॉर्चर किया गया कि तेरे माँ बाप गरीब हैं, हमने शादी इसलिए करी है कि तेरे माँ बाप गरीब हैं, उनके ऊपर तेरा बोझ ना पड़े इसलिए हमने शादी करी है। उसका फ़ोन तोड़ दिया गया, मोहल्ले वालों को मना कर दिया गया कि कोई भी इससे बात नहीं करेगा, परिवार का कोई भी इंसान उससे बात नहीं करता था। उसकी दो नंदे भी थी, ससुर भी था, सास तो थी ही, हस्बैंड, ये सब लोग, कोई उससे बात नहीं करता था, वो सिर्फ एक कमरे में पड़ी रहने रहती थी। उसको घर की नौकरानी बना के रखा गया। जब उसने खाना बनाना तो उसकी सब्जियाँ, उसकी बुराई करके उसकी सब्जियाँ फेंक दी जाती थी, उसका गूंदा वो आटा घर के बाहर फेंका जाता था, उसके धोए हुए बर्तन दोबारा धोए जाते थे, उसकी की हुई सफाई दोबारा की जाती थी। उसको इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया गया था कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। कई बार सोचा उसने कि मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं उनके पास जाऊँगी तो उनके सिर पर बोझ पड़ जाएगा, वो समाज में रह नहीं पाएंगे, दुनिया उन्हें छोड़ेगी नहीं। वो बेचारी चुपचाप हर चीज़ बर्दाश्त करती गई। रोज़ उसका आदमी आता, उससे गंदा बिहेव करता, उसको मारता पीटता, उस घर में रोज़ हंगामा होता, रोज़ कलेश होता, उसके सास ससुर मिल के उसको गालियाँ निकालते।
फ़ोन तोड़ दिया गया था, वो अपने माँ बाप से बात ना कर पाए, मोहल्ले में कोई उससे बात नहीं करता था, किसी का फ़ोन लेके वो बात कर सके, ना ही उसे घर के बाहर निकलने दिया जाता था, ना ही उसे किसी से मिलने दिया जाता था। वो बेचारी चुपचाप अपने दिन काटती गई। एक महीना बीता, एक महीने के बाद उसको पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश हुई कि चलो एटलीस्ट मुझे एक जीने का सहारा मिल गया, हो सकता है कि बच्चे के आने से मेरा आदमी ठीक हो जाए, मेरे सास ससुर ठीक हो जाए। उसके मन में एक पॉजिटिव लहर आई, उसकी ज़िंदगी में एक जीने की इच्छा जागी। जब उसके सास ससुर को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उन्होंने हंगामा मचा दिया, कहने लगे कि अगर बेटी हुई तो हम उस बेटी को मार डालेंगे, हमें सिर्फ बेटा चाहिए। उसकी ज़िंदगी में एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक ही तो खुशी की लहर आई थी कि उसके यहाँ बेटा होगा या बेटी होगी, जो भी होगा, कि एटलीस्ट उसके जीने का सहारा बनेगा। पर अब वो पल पल घुटती रही और भगवान के आगे यही अरदास करती रही कि हे सच्चे पातशाह, हे वाहेगुरु, मेरे को बेटा ही देना, इसलिए क्योंकि अगर बेटी हुई तो ये बेटी को ही मेरी कोख पे मार डालेंगे, मेरा पहला बच्चा है, मेरी शादी के ख्वाब सारे चकनाचूर हो गए, सब टूट गए, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, पर अगर मेरा बच्चा भी कोख में मर गया तो मेरी ज़िंदगी का सहारा क्या होगा, मेरे जीने का सहारा क्या होगा, मेरी खुशी की कोई भी उम्मीद नहीं रहेगी। करते करते 3 महीने बीते, 3 महीने के बाद जब उसका चेकअप हुआ तो भगवान ने उसकी सुन ली, उसका बेटा ही था। उसने भगवान के आगे शुक्राना अदा किया और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसने फिर लड़ना शुरू किया अपनी ज़िंदगी से, अपने परिवार वालों से। वो चुपचाप बिना कुछ कहे वो जैसा बिहेव करते थे वो वैसा सहती रहती थी, एक कमरे में पड़ी रहती थी, उसको सिर्फ एक रोटी सुबह, एक रोटी दिन में और एक रोटी शाम को, एक पेड़ा उसको मिलता था, आधी कटोरी उसको सब्जी मिलती थी, सिर्फ जीने के लिए। इस तरह से उसने अपना 3 महीने काटे। चौथे महीने जब उनको पता चला कि हाँ ये इसके पेट में बेटा है, तब भी उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि बुरे लोगों को हम कभी भी ठीक नहीं कर सकते हैं। उसकी रोटी एक रोटी से 2 रोटी होगी बस खाली, कोई उसकी केयर नहीं हुई, कोई उसको डॉक्टर के पास लेके नहीं जाया गया, कोई उसका चेकअप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे करते करते 7 महीने बीत गए। रोज़ मार खाती, रोज़ गालियाँ खाती, रोज़ उसके माँ बाप को कोसा जाता, रोज़ उसके भाई को गालियाँ निकाली जाती, कहीं उसको लेके नहीं जाया जाता, वो सिर्फ घर पे पड़ जाती थी, किसी के यहाँ फंक्शन पे, कहीं किसी के यहाँ दुख सुख पे कभी उसको लेके नहीं गया। 7वां महीना स्टार्ट हुआ। 7वें महीने में एक बारी उसके सास ससुर कहीं बाहर गए हुए थे, उसका हस्बैंड वही ड्रिंक करके आके उसने उससे खाना मांगा। उसने सब्जी बनाई, रोटी बनाई और उसके आगे रख दी। जैसे ही उसने एक गिराई खाई तो उसने बोला, ये तूने क्या बनाया है, ये कोई सब्जी है, ये कोई खाना है, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, तो किसी काम की नहीं है, तुझे कुछ नहीं आता। उसने उठा के वो प्लेट उसके मुँह पे मारी, उस लड़की के माथे से खून निकलना शुरू हो गया, वो रो पड़ी। जब वो रोई तो उसको और मारा गया कि तू रो क्यों रही है, तेरी आवाज़ बाहर क्यों जा रही है। इतने में उसके सास ससुर आ गए, उन्होंने देखा तो ऑब्वियसली हमेशा सास ससुर अपने बेटे का ही पक्ष लेते हैं, बहुत कम सास ससुर हैं जो अपनी अपनी बहू का पक्ष लेते हैं। सास ससुर ने मिलके उसको मारना स्टार्ट किया। उसके पेट में 7 महीने का बच्चा था, उसके हस्बैंड ने उसके पेट में लाते मारी, उसके ससुर ने उसके बाल खींच के उसको घसीटते हुए बाहर ले गया,
उसकी सास ने उसकी पीठ पे लाते मारी, उसको चपेड़े मारी, इतने में उसका लेबर पेन स्टार्ट हो गया। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने बोला कि इसका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, इसका ऑपरेशन अभी ही करना पड़ेगा, अदरवाइज माँ को और बच्चे को दोनों को प्रॉब्लम है। ऑपरेशन किया गया और उसका बेटा हुआ। पर इन 7 महीनों में एक बार भी उस लड़की के माँ बाप से उस लड़की की बात नहीं हुई, ना ही उसके माँ बाप को उसके मायके में आने दिया। वो लोग खुद ही बात कर लेते थे कि हाँ ठीक है, बिजी है, खाना बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, एक या दो बारी बात करवाई गई होगी, अदरवाइज उससे उसके माँ बाप की बात नहीं करवाई गई। चलिए, बेटा हुआ, बेटा कहाँ हुआ उसका, सरकारी अस्पताल में। बेटा हुआ, उसे घर लेके आए, क्योंकि 7 दिन के बाद डिस्चार्ज होता है पेशेंट, 7 दिन के बाद उसको घर लेके आए, टांके लगे हुए थे, उसको बेड पर लिटा दिया गया, वहीं पे स्टोर में उसको बेड दिया गया था। और 7 से 8वां दिन बीता, 8वें दिन, क्योंकि उसका बेटा अक्टूबर में हुआ था तो थोड़ा ठंडा मौसम हो गया था, नवंबर आ गई थी तो उसको ठंड लगी और उसके बच्चे को भी ओबियसली ठंड लगेगी, क्योंकि पहला मतलब कि पहली सर्दी थी उस बच्चे की, तो उसको सिर्फ एक पतली सी चादर दी गई थी करने के लिए। तो उसने अपने सास से बोला कि मम्मी मुझे एक कंबल दे दो क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो उसका जवाब था, अपनी माँ से, अपनी माँ के घर से लेके आती, तेरा ठेका हमने ले रखा तेरा कंबल देने का, जो तेरे को दिया गया है वही तू कर। इतने में वो रोने लगी, जहाँ वो रोई वहाँ पे उसकी सास ने हंगामा स्टार्ट कर दिया, उसकी सास ने कलेश स्टार्ट कर दिया। जब कलेश स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली सास ससुर पति दंदे सब मिक्स हो गए और सब ने मिलके उसको मारा। जब उसको मारा गया ऑब्वियसली उसके पेट में फिर से लातें मारी गई, उसकी पीठ पे मुक्के मारे गए, उसके सिर पे मारा गया, उसको नोचा गया, उसको पीटा गया। इससे क्या हुआ, जो उसके टांके थे वो खुल गए और वहीं पे उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो उसके हस्बैंड ने देखा कि इसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसके हस्बैंड ने उसका बच्चा लिया और बच्चा लेके भाग गया और उसको धमकी दी कि अगर तूने पुलिस को कुछ भी बताया तो मैं तेरे बेटे को मार डालूंगा, मैं इसे ख़त्म करने के लिए लेके जा रहा हूँ। क्योंकि उसको ओबेसिस उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो डॉक्टर ने मेडिकल करना था क्योंकि ये चोटें कैसे आई हैं। जब वो डॉक्टर के पास गई तो अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि वो खुद अपने ऊपर जुल्म सह रही थी, बर्दाश्त कर रही थी कि मेरे माँ बाप को दुख ना हो। पर जब बात आगे बढ़ गई, बात हद से आगे बढ़ गई, उसके बेटे की ज़िंदगी में बात आ गई, तो कौन सी माँ चुप करती है, कौन सी माँ बर्दाश्त करती है। उसने अपनी ज़ुबान खोली, उसने मुंह खोला, उसने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने पुलिस को बुलाया, पुलिस को बताया गया कि इस तरह से आज 8 महीने से मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे मेरे माँ बाप से नहीं बात करने दी जा रही है, मुझे उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है, मैं सब चीज़ें बर्दाश्त कर रही हूँ कि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर बहुत अच्छी थी, डॉक्टर बहुत अच्छी थी, उन्होंने ट्रीटमेंट किया और उसके माँ बाप को बुलाया गया। जब माँ बाप को बुलाया गया तब पूरी कहानी उनके सामने आई, तब उसने कहा अब मुझे इस घर में नहीं रहना, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं जॉब कर सकती हूँ, मैं अपने पैरों पे स्टैंड थी, मैं दोबारा जॉब कर सकती हूँ, मैं दोबारा आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे अपने बच्चे को इस दरिंदगी में नहीं रहने देना। वो ठीक हुई, डिस्चार्ज हुई, अपने माँ बाप के साथ वापस अपने घर चली गई। उसके माँ बाप ने उसका पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि हमें दुनिया की परवाह नहीं है क्योंकि हमारी दुनिया तुझसे है,
अगर तू खुश है तो हम खुश हैं, अगर तू दुखी है तो हम दुखी हैं। इसलिए तू पॉजिटिविटी के साथ तू आगे बढ़ और जो तेरा दिल चाहता है तू वो कर। उसके माँ बाप ने बिना दुनिया की परवाह किए उसके माँ बाप ने उसका साथ दिया। वो नौकरी करनी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, उसका बेटा बड़ा हो गया। उसका बेटा 7-8 साल का हुआ तब उसकी लाइफ में एक आदमी और आया। उसके माँ बाप ने उसको मेंटली प्रिपेयर किया कि नहीं, तेरे को अपनी लाइफ के बारे में आगे सोचना चाहिए। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, जैसे हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, वैसे इंसान भी एक जैसा नहीं होता। कुछ अच्छे इंसान होते हैं, कुछ बुरे इंसान होते हैं। क्या पता तेरी लाइफ में अब अच्छा समय आए। वो उस आदमी से मिली, मिलना जुलना स्टार्ट हुआ, मीटिंग स्टार्ट हुई, एक दूसरे को जाना गया, पहचाना गया, टाइम एक्सपेंड हुआ। 5-6 महीने के बाद उन दोनों ने जाना, उन दोनों के बीच में प्यार हुआ और मैरिज हुई। और उसके बाद वो लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगे। ये एक सच्ची कहानी है, ये एक रियल स्टोरी है जो मुझे किसी लड़की ने भेजी है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहू भी बेटी से बढ़कर हो सकती है। उसे एक मौका दिया जाए, उसे अपनी बेटी तो समझा जाए, कम से कम उसको देखा तो जाए कि वो क्या कर सकती है आप लोगों के लिए। पर हमारे जो पुराने विचार हैं उसके अकॉर्डिंग मोस्ट लोगों की ये मेंटेलिटी है कि नहीं, बहू तो बहू होती है, बहू कोई बेटी नहीं बन सकती है। जबकि वो लोग खुद ही उसे कहीं बेटी मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। अपनी बेटी को तो वो फूलों की तरह रखते हैं कि हमारी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, वो कभी रोए ना, उसे कोई काम ना करवाया जाए। तो जिसकी बेटी आप लेके आए हो उनकी भी तो कितनी ख्वाहिशें हैं, कितनी उम्मीदें हैं। कभी उनके बारे में सोचो कि वो भी किसी की बेटियां हैं। जैसे आपकी बेटी किसी और के यहाँ जाती है, आपकी भी ख्वाहिशें होती हैं, आपकी भी उम्मीदें होती हैं। ऐसे जिसकी बेटी आप लेके आए हो उनकी भी ख्वाहिशें हैं, उनकी भी उम्मीदें हैं। बहू को बेटी समझो और बेटी समझ के ही उसको अपने घर में जगा दो, अपने दिल में जगा दो उसको। उसके बाद देखो वो बेटी सच में बेटी बनती है कि नहीं बनती है। इसी के साथ साथ ही ये कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। टिल देन बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, आदाब।